दिल्ली में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली आज। अर्थव्यवस्था और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस नेता भरेंगे हुंकार। सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी दिखाएंगे दम। पीएम मोदी का कानपुर दौरा आज। पीएम की अध्यक्षता में होगी राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के सीएम भी होंगे शामिल। केंद्र और राज्यों के मंत्रियों के साथ पीएम मोदी करेंगे गंगा पर चर्चा। झारखंड में आज समझाएगा चौथे चरण का चुनाव प्रचार। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखाएंगे ताकत। 16 दिसंबर को सूबे की 15 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। नागरिकता संशोधन बिल पर बोले बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष। ये कानून लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा बंगाल, नहीं रोक पाएंगे सीएम। नागरिकता बिल के खिलाफ तेजस्वी यादव ने बुलाया बिहार बंद। 21 दिसंबर को पार्टी करेगी बंद का आयोजन। तेजस्वी ने की बंद को सफल बनाने की अपील। नागरिकता संशोधन कानून और अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर बरसे पी चिदम्बरम। सीएबी को बताया असंवैधानिक। अर्थव्यवस्था पर बोले इस मुद्दे पर जवाब नहीं दे पा रही सरकार। मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर गरमाई सियासत। अब सूबे में बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे खेत धरना आंदोलन। बीजेपी ने कमलनाथ सरकार पर लगाया किसानों को धोखा देने का आरोप। 53वें तबादले के बाद आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने हरियाणा के सीएम को लिखा पत्र। पत्र में कहा दब्बू अधिकारी फलते फूलते हैं जबकि ईमानदार लोगों को मामूली जिम्मेदारी दी जाती है। झारखंड की रणजी टीम ने रचा इतिहास। फॉलो ऑन के बाद जीत दर्ज करने वाली पहली टीम बनी। अगरतला में त्रिपुरा के खिलाफ झारखंड ने यह मुकाबला 54 रनों से जीता। दिल्ली में दिसंबर के महीने में बारिश ने 22 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। राजधानी में 33.5 मिलीमीटर बारिश की गई रिकॉर्ड। प्रदूषण के स्तर में भी आई कमी। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद बने एशिया प्रशांत एवं परमाणु अप्रसार उपसमिति के अध्यक्ष। कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट पार्टी के 4 बार के सांसद बेराब ब्रेट शर्मन की लेंगे जगह। अमेरिका और चीन में ठनी। अमेरिका की ओर से लगातार वैश्विक संधियों को वापस लेने पर भड़का चीन। कहा अमेरिका पूरी दुनिया के लिए मुसीबत की जड़। भरोसा तोड़ने का किया काम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुसीबत। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के 2 आरोपों को मंजूरी। अब अगले सप्ताह होना है मतदान। पाकिस्तान के मंदिर में हिंदुओं को दर्शन करने का मिलेगा मौका। 1 साल के लंबे इंतजार के बाद कटास राज मंदिर के लिए रवाना होगा हिंदुओं का जत्था। 100 तीर्थयात्री करेंगे मंदिर में दर्शन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी की चुनावी जीत के बाद लंदन में संग्राम। जीत के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। पुलिस से भी हुई नोकझोंक। आज लगातार दूसरे दिन घटे पेट्रोल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 5 पैसे सस्ता होकर 74.88 रुपए हुआ। डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में डीजल 66.08 रुपए में बिक रहा है। देश के निर्यात में लगातार 4थे महीने गिरावट। नवंबर में 0.34% गिरावट के साथ $25.98 अरब का हुआ निर्यात। मारुति सुजुकी डीजल कार बंद करने के मामले में ले सकती है यू टर्न। कंपनी 1.5 लीटर BS6 डीजल इंजन बनाने की योजना पर कर रही है विचार। आर्थिक मोर्चे पर एक और बुरी खबर। अब मूडीज ने भी घटाया विकास दर का अनुमान। एजेंसी ने भारत की विकास दर 5.6% रहने का जताया अनुमान। और दिल्ली में आर्थिक सर्वेक्षण शुरू। पहली बार मोबाइल टैप पर लिया जाएगा डाटा। 3 महीने में पूरा किया जाएगा काम।